अब ऐसे रात में किसी को गिफ्ट आता है क्या? मुझे गिफ्ट आया है, देख लो कितने स्पेशल है हम। पापा, हम पापा से नहीं जा रहे गिफ्ट लेने इतने इतने रात को। राम राम जी, हम सब कैसे हो? ठीक हो? हम भी ठीक है। सुबह के बज रहे 8। आज बहुत दिनों के बाद घर का खाना खाने को मिलेगा, चावल सब्जी। पूरे 13 से 14 दिन हो गए थे, 13 दिन नहीं 14 दिन, आज मिलेगा। खाना खा के रेडी हो गए, देख लो जी रेडी भी खाना खा चुके हैं। राम राम, राम राम। ये मम्मी कर रही है अपना नाश्ता। मेरा खाना दाल चावल सब्जी और थोड़ा सा खमुआ है, मतलब खाना खाने को मिल रहा है जी। आप सब भी खाना खा लो। ग्रिम खाना दाल चावल। मम्मी बोली 15वां दिन मिला दाल चावल ना, तो गरम 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 मम्मी के हाथ से खाते बुनिया। आप सब भी खाना खा, बुनिया खा लो जी। फिर हो गया 14 दिन के बाद आज सुबह खाना खाया, नहीं तो खाना खाने में 12, 1, 2 ऐसे ऐसे हम तो टाइम होते थे। पापा जा रहे काम पे जी, सफाई कर रही है, पूरा घर धुल रही है। सिलाई कर रही है। देखिए मेरी मम्मी स्विमिंग पूल के ऊपर बैठी है, मुझे पानी जा रहा है, आराम से अपन पिलाएंगे। देख लीजिए कर चुके झाड़ू का पोछा जो भी सब सब क्लीन कर दिया। आज हमको चलना है कथा में, मतलब बगल में कथा है, मंदिर है, वहाँ पर होगा कथा भगवान जी का। तो फटाफट होते नहा के रेडी, हम लोग रेडी हो गए, अर्शी ने भी यहाँ पे हो गए रेडी। पिंक मेरा रेड। अच्छा इनका नाम सिन्नी है सही में? इनका नाम सिन्नी है? हाँ सिन्नी है। नहीं। आज मम्मी और माँ बाप बिटिया का दोनों लोग का कपड़ा मैचिंग कर रहा है, देख लो जी मैचिंग मैचिंग। फ्रेंड्स है, फिलहाल फटाफट बाल उल झाड़ लेते फिर चलते हैं कथा में। एक गिलास और यहाँ पे चावल, अब चलते हैं कथा में। देखिए ये गांव की हमारी सबसे समझदार लड़की चिल्ली, सुनी के फ्रेंड है चिल्ली। क्या नाम है उसका? नाम हम चिल्ली बोलते हैं, चिल्ली बोलते हैं। बात है ना, उनके दहिने बैठे भगवान दहिने विराजमान होलिन माता गौरी जी, वो माता है तबे तो दहिने बैठे रहे, नहीं तो बायना बैठती। उससा ही कहा था ना, एका तो पानी देखवाना था। मंगलम करुण दया मंगलावते नाथ मंगलाय तनो हरः पत्रिया शम्यः प्राणायाम ॐ मा केशवाय नमः ॐ। अथ पंचमो अध्याय पांचवे अध्याय में शंकर जी ज से इधर 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 इधर, ये हमको मिला खिलाने के लिए, हमें मिला है वो देखो बाबू, गोलू मोलू सा है बिल्कुल एकदम क्यूट क्यूट सा, देख लो। इनके बगल के मतलब इनके भाई ना, अब इनके पास नहीं जा रहे हैं, 10 मिनट में इनको हम कर लिए अपने पास। लेके दिखाओ मिट्टू बाबा और मिट्टू। जनो के संकट हो लक्ष्मी मैया के जय, धर्म के जय हो, अधर्म गाड़ियों में भावना हो, वेद का कल्याण हो, जय जय। मिल गया था।
घर प्रसादी मिल गया, चूरन और चनामृत दोनों और फल और सिनी मिल गया। देखो पहुंच गए घर, आप सब मिठाई प्रसादी। खा रही है, खा रही है प्रसादी, दांत नहीं बेचारी फिर भी आराम से खाती है, बचा बचा के खाती है। जो बाबू नहीं था वो ना, मतलब जो उनके घर के मेंबर थे मेरे पास आ गया, ठीक है, उसके बाद वो सब ले रहे हैं, आ जाओ, बट किसी के पास नहीं गया, मतलब बोले 10 मिनट में आप मतलब अपनी तरफ कर लिए, बोले हाँ जी। एकदम गोलू मोलू से क्यूट सा था, एकदम गाल निकला था उसका, जस्ट आराम से बैठे हैं और मतलब पता नहीं कहाँ से मेरा ध्यान चला गया मेरे सलवार पे, और इतना अच्छा कपड़ा पहली बार, मम्मी कच्चे घर में हम 22 साल तक रहे लेकिन कभी किसी भी कपड़े को चूहे ने नहीं काटा था, बट इस घर में पहली बार हमारा कपड़ा कटा है, चूहे ने काटा है भाई साहब, इतना अच्छा कपड़ा, इतना महंगा था, बताओ काट दिया तो ना कटे, बताओ हम क्या करें अब। मम्मी क्या करिए, बट पहले वहाँ से सारे कपड़े हटाते क्योंकि वहाँ पे सारे कपड़े महंगे महंगे भाई साहब, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े हैं हमारे, तो हमारी हालत सोच के खराब हो रही है, कहीं और कपड़ा ना काटा हो, चेक करिए अब क्या करें इस कपड़े का, अपने इतना अच्छा कपड़ा था, छुटकारा ले रही है क्योंकि फर्क नहीं है। मम्मी सारे कपड़े निकाल रही, दीदी चेक कर रही है, अगर घर के बाहर कोई आया है तो कौन है बताओ, कंप्यूटर सिखाने वाले आए हैं, और आगे हाँ? और आगे पता नहीं, मतलब कंप्यूटर सिखाने वाला है तो उसके लिए हमको भरना पड़ेगा फॉर्म, उसके बाद इनको देना पड़ेगा एग्जाम, तब जाके कुछ होगा शायद। इसमें क्या है कि जितना आप नंबर लाते हो उसके हिसाब से फीस लगेगा, अगर आप बढ़िया वाला नंबर लेके आते हो तो फीस भी नहीं लगेगा, आप ऐसे फ्री में सिखाएंगे कंप्यूटर, तो इसी में देखते हैं क्या करती है। ये पेपर होगा अगले संडे को, कपड़े सही है, मतलब सब कपड़ा कटा हुआ है, बाकी सब कपड़े सही हैं, कपड़ा मैंने इसमें पैक कर दिया, इसमें चैन लगा हुआ है ना, बोरिया है तो इसी में हमने सारा कपड़ा रख दिया। अब खाना बनाने के लिए पापा भी आ गए काम पर से, तो आज बनेगा रोटी और चटनी, वो चाहे तो रोटी चटनी सब हो जाएगा, रोटी चटनी बनेगा क्योंकि ये देखिए रोटी और सब्जी, ये लकड़ी का सब्जी है, बाद में बताएंगे कभी आपको बना के, और साथ में चटनी, मम्मी है, भाई है, टकलू महाराज। आप सब भी खाना खा लो जी, खाना खा रहे थे हमने, खाना पूरा खाया भी नहीं, आपको दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए आधा खाना खाया है, आधे पे हमको पता चला कि ऑनलाइन वाले मतलब कुछ सामान आया है, मतलब कुछ गिफ्ट आया हमें, वो भैया है मार्केट में, मतलब मेरे चाचा यहाँ पे, क्योंकि वो आया फोर व्हीलर से, तो इसलिए वो घर पे नहीं आ सकते, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, मतलब मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे पता चला, मतलब वहाँ से फ़ोन आया हमको, ले लिया है टॉर्च, और ये है सिनी, पापा बाहर है क्योंकि भाई खाना खा रहा है ना, कहाँ गया, टकलू महाराज की जय हो। आज गिफ्ट आएगा मुझे, गिफ्ट सिनी गिफ्ट ले वो, देखते हैं क्या गिफ्ट में, चलो जी चलते हैं अंधेरे में। ये देखिए अंधेरा हो रखा है, टॉर्च मार के जा रहे हैं, पापा कहाँ है, पीछे है, तीन लोग जा रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए, गिफ्ट का खुशी कुछ अलग ही होता है, चाहे अंधेरा रहा है चाहे कुछ भी रहा है। चलते हैं, टाइम हो रहा है 8, जय भगवान जी की, जय भगवान जी की, हमें हम दिख रहे हैं कहाँ अलग, हाँ पहुँच गए मार्केट में, फर्नीचर आया जा आगे रात में, शायद वही भैया हैं, वही गाड़ी है शायद, रोजी मिल गया गिफ्ट, रात में गिफ्ट मिला हमको, रात में 8:30 बजे रोजी मिल गया गिफ्ट, देख लो क्या है, बता नहीं, कोई आइडिया नहीं है, आपसे बताना कमेंट में क्या है, ठीक है, क्योंकि रात हो गया तो आज खोलेंगे नहीं, खोलेंगे कल, ढोलक पीटते पीटते आ रही है,
रात में मिला है गिफ्ट, पता नहीं क्या होगा, मतलब कितना नीचे हो। अब वो चलते हैं हम घर, नीचे कोई कुछ दिख नहीं रहा है ना, अगर नीचे बारेंगे लाइट तो दिखेगा, नहीं फिर क्या पता रास्ते में भाग जाए, क्योंकि एक बार से गिरते गिरते बच्चे है ना तो नहीं खिंचते सीधे खेत में। पहुँच गए घर, पहुँचे गिफ्ट लेके आ गए घर। इसमें ऊपर छपा हुआ है लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं, आपको करना पड़ेगा गेस्ट, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना वेट की गेस्ट मतलब अच्छा क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या बोलते वेट नहीं गेस्ट करना पड़ेगा, क्या है इसमें, क्या हो सकता है इतने रात में गिफ्ट आया भाई सब, तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, क्या होगा आप बताइएगा जरूर। खाते अपना खाना जो मैं छोड़ के गया था, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है खुशी के चक्कर में, बट खाना तो खाना पड़ेगा। खाना वाना हो गया, आपको हम बता दे रहे हैं मतलब कि मतलब थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, हिंट ये है कि वो सामान है बर्तन में, तो उसमें क्या हो सकता है, बर्तन ही है बट उसमें क्या हो सकता है ये सब आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। आज का व्लॉग करते ही खत्म, वीडियो अच्छा लगा तो कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब, चैनल सुनिए और का शेयर कमेंट, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चलते रहिए मुस्कुराते रहिए हमारे साथ, चलते रहिए, राम राम, राम, राम।